हालात का जायजा लेने गए दल के एक सदस्य के मुताबिक लाल मस्जिद में हमले के बाद से ही आतंकवादी टीम इंडिया को निशाना बनाने में लगे हुए थे। इसीलिए जब मुंबई में हमला हुआ तो सरकार ने तुरंत दौरा रद्द करने का फैसला किया। वो इसलिए क्योंकि सरकार को पहले से ही खुफिया एजेंसी लगातार इसके लिए आगाह कर चुकी थी।